बिहार में राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार में कोरोना के फैलाव की स्थिति काफी गंभीर होते जा रही है। अचानक से बिहार में कोरोना का संक्रमण का व्यापक स्तर पर फैलाव को लेकर बिहार सरकार पर विपक्ष और सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल बिहार में कम टेस्टिंग को लेकर उठाए गए थे। हमने भी कम टेस्टिंग को लेकर काफी सवाल उठाए थे। हालांकि अब बिहार में 10 जुलाई के बाद से लगातार 10,000 से ज्यादा टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन आज हम सरकार द्वारा उठाए गए एक अच्छे कदम की बात करेंगे। बिहार में अब स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के असिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था की है। हालांकि अन्य राज्यों में यह व्यवस्था काफी पहले से है और काफी कारगर भी है। जैसे कि दिल्ली में होम आइसोलेशन में रहने वाले 90% कोविड-19 मरीज ठीक हो रहे हैं। होम आइसोलेशन के संबंध में हमने बिहार के राज्य स्वास्थ्य समिति से बात की। इस संबंध में हमने उनसे पूरी जानकारी ली है कि होम आइसोलेशन क्या है, किन पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत दी जाएगी, इसके लिए क्या शर्तें हैं। यह सभी जरूरी जानकारी राज्य स्वास्थ्य समिति से हम आपको सुनवाने वाले हैं। तो होम आइसोलेशन से जुड़े यह सवाल जवाब आपके लिए है, इसको ध्यान से सुनिए। नमस्कार सर, मैं राजमोहन तिवारी हूँ। बोलिए क्या दिक्कत सर। मेरे को सर होम आइसोलेशन के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। जी, आपको जानकारी दी जाएगी। जी बोलिए। होम आइसोलेशन सर क्या है? देखिए, होम आइसोलेशन है सर, जैसे कि जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जो मिल रहे हैं, ठीक है जी जी, तो उनको बोला जा रहा है होम आइसोलेशन के लिए, जो कि सस्पेक्ट के तौर पे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं ना। अच्छा, जिनमें कोई लक्षण नहीं होता है। जिनमें कोई लक्षण नहीं होता है फिर भी जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, रेयर कंडीशन में वैसे मिल रहा है। अच्छा, रेयर कंडीशन मतलब? रेयर कंडीशन मतलब मान लीजिए कि छाती में भी दर्द हो गया फिर भी जो उनको पॉजिटिव आ गया। जी जी, ठीक है जी। कोई लक्षण नहीं है फिर भी पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक कहेंगे, समझ गए जी जी। अच्छा, तो इसकी इजाजत किनको किनको मिलेगी, क्या कोई शर्त भी है? किनको किनको मिलेगी मतलब? जैसे कि सबको आइसोलेशन की इजाजत मिल जाएगी जिनमें लक्षण नहीं है, या इसमें भी कोई शर्त है? नहीं, सबको ऐसा कोई ये डेफिनेट नहीं है, समझे ना। जैसे कि आप कोई पॉजिटिव व्यक्ति हुआ, ठीक है जी, और कोई व्यक्ति है जो कि उनके संपर्क में वो गए हैं जी, समझे ना, उनके कांटेक्ट में गए हैं और कांटेक्ट में जाने के बाद जो है लक्षण नहीं है फिर भी पॉजिटिव आ गया है जी, तो वैसे लोगों को बोला जा रहा है कि आप होम आइसोलेशन में रहें। अच्छा, उनके घर में सुविधा होगी, उन्हीं को ना मिलेगा? बिल्कुल, अगर जहाँ सुविधा है तो ठीक है। अच्छा। और अगर सुविधा नहीं है, मान लीजिए कि ना घर में अगर वो कंजेस्टेड जगह है, ठीक है, तो अपना सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए कम से कम 2 मीटर की दूरी बना करके वो रह सकते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया भी क्या होम आइसोलेशन की मिलने की, क्या इसमें कोई कार्रवाई भी है कि कहाँ हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसका कोई ऐसा ये प्रावधान नहीं है, कहाँ कोई फॉर्म वगैरह नहीं है अप्लाई करना पड़ेगा, बल्कि वो जहाँ टेस्ट कराएंगे ना जी जी, वहाँ से उनको समझाया जाएगा, बोला जाएगा। अच्छा, ठीक है जी। और अगर पॉजिटिव वो आ रहे हैं तो उनका सारा जांच वगैरह जो भी है, रिपोर्ट वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह सारा उनका वहाँ रहेगा। अच्छा, जो जहाँ से वो टेस्ट करवाएंगे। अच्छा, आइसोलेशन के समय किन बातों का ध्यान रखना होगा? आइसोलेशन में किन बातों का ध्यान रखना होगा? जी, आइसोलेशन में देखिए सबसे जरूरी चीज है कि सोशल डिस्टेंस को वो ध्यान में रखना होगा, ठीक है जी। और घर में अगर सेपरेट जगह है, जैसे बाथरूम अपना सेपरेट होना चाहिए जी, जो पॉजिटिव केस है उनके लिए बता रहे हैं जी, ठीक है जी। अगर वो सारा चीज अपना सेपरेट यूज करते हैं तो और भी बेटर है। मास्क वगैरह पहनना अनिवार्य है जी। अपने दोनों हाथों को साबुन से अच्छे तरीके से धोना जरूरी है, कम से कम 20 सेकंड तक जी। और समय समय पर जो है हाथ को सैनिटाइज करते रहना है। अच्छा, ठीक है जी जी। और जैसे हाँ, बाथरूम वगैरह मान लीजिए अगर सेपरेट नहीं है, एक ही बाथरूम में जो घर वाला भी यूज कर रहा है और जो पॉजिटिव केस है वो भी यूज कर रहे हैं जी, ठीक है, तो उनके लिए उनको करना है क्या, समय समय पे हैंडल वगैरह जो भी है बाथरूम का उसको सैनिटाइज करते रहना है। अच्छा, मतलब जिस भी चीज को छुए उसको सैनिटाइज होते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो है पानी उनको गर्म पीना है, अभी सुसुम पानी पीना है, ठीक है, सुबह शाम दोपहर गलगला करना, ठीक है जी जी। खाने पीने में भी कोई शर्त है?
हाँ खाने पीने का शर्त है कि उनको सर अभी पौष्टिक आहार लेना है, हरा साग सब्जी विशेष रूप से लेना है जी, ठीक है, जितना भी मिनरल्स हैं वो उनको लेना है, विटामिन सब लेना है। अच्छा ये भी हल्ला है कि अगर पॉजिटिव मिले तो चावल नहीं खाइए, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं पॉजिटिव मिले तो चावल नहीं खाइए ऐसा कुछ नहीं है, बट ठंडा चीज नहीं लेना है, समझ गया ना? जी जी। और पॉजिटिव मान लीजिए कि फीवर वगैरह है, अगर फीवर वगैरह है तो चावल उनको नहीं लेना है। अच्छा आइसोलेशन के दौरान अगर लक्षण दिखेगा तो फिर क्या आगे की कोई कार्रवाई? आइसोलेशन के दौरान ये देखिए ऐसे तो ये 14 डेज के अंदर जो लक्षण अगर वैसा होगा वो दिख सकता है, समझ गए? और अगर लक्षण दिख जाता है तो उनको वैसे भी 14 दिन के बाद जो है जाके एक बार जांच करा लेना चाहिए, ठीक है। और अगर पॉजिटिव मान लीजिए इस स्थिति में पॉजिटिव मिल जाता है, पेशेंट का स्थिति जो है और मान लीजिए क्रिटिकल हो जाता है पहले से, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में उनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हम उनको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का नंबर देंगे, समझ गया ना? अच्छा तो अगर लक्षण दिखे तो वो कहीं पे फोन वोन कर सकते हैं, कहाँ पे फोन करेंगे? कहीं से भी फोन कर सकते हैं, अपने घर में किसी के भी। अच्छा राज्य स्वास्थ्य समिति के पास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, वो कॉल करेंगे या उसके घर का अगर कोई सदस्य वो फोन करके बता देता है तो और बेटर है। और वैसे भी अगर उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है तो मेरे ख्याल से समय समय पे वहाँ से मतलब जहाँ से वो जांच कराएंगे हो सकता है वहाँ से उनको समय समय पे जांच के लिए कॉल जाए। अच्छा ये मतलब कि उनकी उनके आगे की जो देखते रहा जाएगा, उनके बारे में सूचना लेती रही जाएगी। हाँ हाँ ठीक है कि आप ठीक हैं या फिर कंडीशन कैसा है। आइसोलेशन खत्म होने के समय क्या है अवधि? देखिए आइसोलेशन खत्म होने का मिनिमम तो 14 दिन है ना, 14 डेज है, और अधिक से अधिक जो 21 दिन तक रह सकता है। इस दौरान मतलब कि किसी प्रकार का अगर मान लीजिए 14 दिन खत्म हो गया, उनके भी लक्षण कोई नहीं दिखा फिर से, तो उसके बाद आइसोलेशन खत्म करने के लिए किसी अधिकारी को कुछ बताना होगा, कोई जानकारी देनी होगी किसी प्रकार की? हाँ, जानकारी देनी होगी, जहाँ वो सैंपल दिए है ना जी, जहाँ से उनका रिपोर्ट आया है वहाँ उनको बताना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ जाके कम से कम एक बार मिल लेना चाहिए उनको। अच्छा जहाँ से उनका टेस्ट हुआ है जी, राज्य स्वास्थ्य समिति से हमें जानकारी मिल रही है। अभी आप सुन रहे थे राज्य स्वास्थ्य समिति से बिहार में होम आइसोलेशन की प्रक्रिया के बारे में। इस संबंध में एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में रहेंगे उन्हें एक विहित प्रपत्र में अंडरटेकिंग संबंधित जिला पदाधिकारी को समर्पित करना होगा। इस विहित प्रपत्र को आप राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको भरकर आप अपने जिला पदाधिकारी को समर्पित कर देंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि होम आइसोलेशन की इजाजत उन्हीं को मिलेगी जो कोरोना पॉजिटिव तो हैं लेकिन उनमें संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि उनके घर में अलग रहने की व्यवस्था हो। अगर होम आइसोलेशन में वह रह रहे हैं तो अपने द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले हर वस्तु को वे खुद साफ करेंगे, चाहे वो कपड़ा हो, बर्तन हो, फैन हो, कमरा हो, सभी की सफाई वे खुद करेंगे। घर के या किसी अन्य व्यक्ति से दूरी बनाकर रहेंगे, खासकर बच्चे, बूढ़े और बीमार हुए लोगों से घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उनके द्वारा इस्तेमाल कोई भी चीज़ दूसरों को छूने नहीं देंगे। अगर होम आइसोलेशन के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो या कोरोना के लक्षण दिखने लगे तो तुरंत नज़दीकी के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करेंगे या फिर राज्य स्वास्थ्य समिति के टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर इसकी जानकारी देंगे, वहां से आपको जल्द से जल्द मदद देने की कोशिश की जाएगी। यह सरकार के तरफ से उठाई गई एक अच्छी कदम कही जा सकती है, लेकिन होम आइसोलेशन तभी सफल होगा जब होम आइसोलेशन में रह रहा मरीज इसके नियमों का सही से पालन करेगा। इसके अलावा उन लोगों से भी अनुरोध है जो संक्रमित नहीं है और ठीक है, प्लीज आप सभी भी संक्रमण से बचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें, इसमें आपकी और बिहार की भलाई है। बिहार से जुड़े सभी खबरों को से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।